हेलो मेरे प्यारे मित्रों, क्या हाल है सबके। आई होप कि सब अच्छे होंगे। और गाइस, आज का दिन काफ़ी बारिश हुई सुबह, और आज हम जा रहे हैं, शाम के टाइम में निकल रहे हैं, आज हम जा रहे हैं क्रिमची टेंपल उधमपुर। तो वो भी विजिट कर लेते हैं, वो भी आपको पूरा बता देते हैं क्या है उसकी इतिहास हिस्ट्री सारा कुछ चाहते हैं। और शाम के अभी 3:30 बज रहे हैं, आज हम लेट निकल रहे हैं, तो चलते हैं वहाँ पर। 1.5 घंटे का रास्ता है, तो चलते हैं सीधे क्रिमची टेंपल और वहाँ पर सारा बताते हैं। आज मेरे साथ दादी जा रही है, मेरा भाई जा रहा है, और अंशु भाई जा रहा है जो कि मेरे बूजी का लड़का है। तो चलते हैं सारे और स्टार्ट करते हैं वीडियो माता रानी के नाम में। जय माता दी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस चेक करो आज यार, आज नए वूड आए ना, शोशा मारा करता मैं, नए वूड आए आज, ऐसे वूड अच्छे लगते हैं स्टिकर टाइप। और गाइस आज हवा देख रहे हो अब कैसी हवा चल रही है, बरखा जैसा आर भी है और बरखा मुझे लग रहा है आ जाएगी। और गाइस ये मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए प्यारा सा फूल, येलो कलर का है आप सबके लिए, ये ले लो ले लो ये। सो ऐसे अभी हम लगा रहे हैं यहाँ से तेल, पहले फूल करवा रहे हैं हम। बे कितना लीटर तेल है? ठीक है यहाँ पर जम्मू जू, हाँ इस साइड सांप है और ये आगे जम्मू जू, जो कि अभी कुछ इतना खास नहीं है देखने वाला, हम गए थे बट इतना खास नहीं। उधमपुर अंदर एंटर कर चुके हैं, तो देखो उधमपुर भी काफ़ी प्यारा है यार। मैक्सिमम यहाँ पर ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी काफ़ी है, और ये उधमपुर की मेटाडोर है, उधमपुर टू रंबाल, रंबाल भी कोई जगह है, ये देख लो उधमपुर। मौसम चेक करो गाइस। सो गाइस अब आ चुका है रास्ता गए थे क्रिमची टेम्पल, चलते हैं। सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ क्रिमची टेम्पल। अभी यहाँ कार लगाई है पार्किंग में, बताता हूँ कहाँ लगाई है पार्किंग में, और इसके बाद चलते हैं सीधे आगे, 5 मिनट के रास्ता आगे जाना है, मैं बताता हूँ। और व्यू चेक करो, व्यू बताता हूँ। सो गाइस आप ये व्यू चेक करो यहाँ से, और ये देखो यहाँ पर पहले बैल्स वगैरह दिख रही हैं, और ये देखो, और ये रास्ता चेक करो, यहाँ से रास्ता जा रहा है, और ये व्यू चेक करो देखो। और अभी हमने यहाँ गाड़ी लगा दी, यहाँ से हमें चल के जाना है, वहाँ तक चल के जाना है, ये रास्ता है, और यहाँ से मंजे भी आ रही हैं। सो गाइस अभी हमें आंटी ने बताया वहाँ पर कि हमने यहाँ लगा दी गाड़ी, पर गाड़ी नीचे भी जाती है, हमें नीचे जाना है, वो है क्रिमची टेम्पल वहाँ पर। सो गाइस ये देखो गांव का, गाय का गोबर, ये होता है, नेचुरल चीज़ें होती हैं देखो। और ये चेक करो व्यू आप, यहाँ से नीचे जाना, हमने आंटी ने मिली हमें कहते हम गाड़ी यहीं लगा रहे थे, पर आंटी बोलती नहीं बेटा आपको नीचे यहाँ से जाना है, यहाँ से जगह है गाड़ी जाने की। और वो चेक करो व्यू वहाँ पर पानी की, और मैक्सिमम आपको इस जगह पर सारी ग्रीनरी ग्रीनरी मिलेगी, देखो गायें वगैरह कितनी मिल रही है वहाँ पर देखो, और ये चेक करो आप। सो गाइस हम फाइनली क्रिमची टेम्पल पहुँच चुके हैं अब, ये थे। और देखो पहले कहते हैं यहाँ पर रास्ता नहीं था, यहाँ पर मतलब कि जो रास्ता था सीधे हमें पहले चल के आना पड़ता था 5 मिनट, जहाँ से मैंने आपको पहले दिखाया ना, अब सीधे यहाँ पर आओ, ये देखो गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग में लगी हुई है, यहाँ से मज़े से आओ, और कोई भी मज़े से यहाँ पर आराम से आ सकता है। यहाँ पर देखो मैक्सिमम सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और अंदर गाँव के अंदर जाके उधमपुर के अंदर आगे आपको 14 किलोमीटर और जाना है, फिर आपका आ जाता है क्रिमची टेम्पल। ये देखो गाइस क्रिमची टेम्पल, और ये देखो ये रास्ता क्रिमची टेम्पल का, यहाँ से हमें जाना सीधे अंदर, और देखते हैं अंदर पंडित जी वगैरह कोई मिलते हैं, देखते हैं सब कुछ क्या होता है, बताते हैं आपको। और बने रही वीडियो में, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो किसका वेट कर रहे हो, जाके करो ना, ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलेंगे आपको, निखिल ही दिखाएगा, और भी बड़े लोग दिखाते हैं यार, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, निखिल को सब्सक्राइब तो करो इस वीडियो में, कम से कम मेरे को 2000 लाइक तो करके बता दो, मैं मान जाऊँगा 2000 लाइक आने चाहिए ना, फिर मैं आगे आगे ब्लॉग आपको और इंटरेस्टिंग दूंगा, ये बिल्कुल प्रॉमिस है, और मैं प्रॉमिस आपसे करता भी हूँ। और ये अंशु और दादी भी आते हुए, चलो चलते हैं, और ये व्यू देखो आप, चलते हैं हम सीधे अंदर, और यहाँ पर टिकट्स भी लगती हैं, एंट्री फीस भी है। और गाइस ये चेक कर लो आप विजिटिंग हॉर्स,
ये देख लो, फ्री एंट्री फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज 15 ईयर्स, ₹25 पर हेड, ₹300 पर हेड, श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। चलते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पर टिकट्स वगैरह यहाँ पर ले ली है। टिकट्स लगी हमारी 25 पर पर्सन, तो टिकट्स यहाँ पर लगती हैं। तो चलो अब बताते हैं आपको। भैया कहते 12:00 बजे आया तो है, आइए ना तो एंजॉय करते हैं। हमने कहा नहीं, हम तो अभी आ जाएंगे, हमें 12:00 बजे क्यों आना है, अभी एंजॉय करते हैं। कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी करेगा नहीं, खेलिए। अरे वही दिखाते हैं आपको क्रिमची टेम्पल का व्यू अंदर से। सो गाइस, दिखाते हैं आपको पूरा क्रिमची टेम्पल, ये देख लो। और यहाँ के जो पत्थर है ना, और इनकी कहानी पता क्या है, ये पांडवों का काफ़ी जहाँ यहाँ पर महत्व है, और पार्वती माता जी का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बताया है। और पत्थर चेक करो आप, और ये देखो पूरा पुराना टाइप है यहाँ पर बताया हुआ है। और लोग फैमिली आई है, बस थोड़ी कम आई हुई है। और ये देखो, ये देखो गाइस, अब यहाँ से आपको अंदर से बताता हूँ मैं। ये देखो गाइस, पत्थर को एक बार चेक करके देखो आप, जो है ना पत्थर काफी ओल्ड एंशिएंट टाइम के पत्थर थे। और ये अंदर ले चलते हैं। वैसे अंदर कुछ है तो नहीं अभी? नहीं नहीं कुछ नहीं है। ये दादी कह रहे हैं कुछ लाइट डालो, मैंने देखा कख नहीं है अभी अंदर। अंदर एक शिवलिंग थी वो उस साइड थी, यहाँ पर कुछ नहीं है दादी। इसमें भी कुछ होगा पहले, कुछ नहीं है। पर गाइस ये देखो ऊपर से कितना अच्छा, मतलब अभी ऊपर टीन डाली हुई है, देखो पत्थर, देखो हाँ पत्थर भी घस गए हुए हैं। कसना मीन्स डोगरी लोग समझ गए होंगे। आप पिलर चेक करो, है ना सोरो, देखो आप। और ये वाला ही ऊंचा करो यहाँ से। और वो पहाड़ देख रहे हो आप जो गाइस, वो देखो। और ये वाला भी यहाँ जाते हैं, पंडित जी यहाँ दिख रहे नहीं है। और ये देखो ग्रीनरी, ग्रीनरी हर तरफ, ऑल ओवर आपको चारों तरफ यहाँ पर ग्रीनरी नहीं दिखाई दे रही होगी। और हम मौसम भी ऐसे मौसम में आए जहाँ पर मतलब कि सुबह इतनी बारिश हुई थी ना, और अब यहाँ पर मौसम चेक करो, प्रॉपर अच्छा हो रहा है मौसम, देखो। और ये ऐसे बनाया हुआ जैसे कहते हैं उड़ीसा वगैरह में मंदिर नहीं होते, उस टाइप से पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर केरला के जैसे वो नहीं होते पेड़, वैसा भी है कोकोनट ट्रीज जैसा। दिस इज क्रिमची टेम्पल। अब चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखो अंदर लिखा हुआ जय माता दी। और यहां से चढ़ते हैं ऊपर। गाइस आप यहाँ पर पत्थर वगैरह चेक करो कैसे हो रहा है। अभी अंदर से दिखाता हूँ आपको मैं चीज़ें। अभी अंदर थोड़े लोग ही हुए हैं, तब तक आप ये देख लो यहाँ से। और पहाड़ों के बीच में हमारा क्रिमची टेम्पल। गाइस मैं आपको अंदर से दर्शन करवाता हूँ। ये मूर्ति जय, अब मूर्ति, ये पूरी मूर्ति है, दो मूर्ति है यहाँ पर। अब है कौन सी माता ये मुझे पता नहीं, अभी कोई पंडित जी भी नहीं, मैं पूछ लेता यहाँ से। और ये रखा हुआ यहाँ पर, ये है पूरा ऊपर टीन डाली हुई है। जय भगवान जय, लेट्स गो, दिस इज क्रिमची टेंपल ऑफ धमपुर। और गाइस मैं आपको यहाँ पर नीचे ले चलता हूँ, यहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ पर है, पूरा दिखाता हूँ, ये भी नीचे पौड़ी है। यहाँ पर घास वगैरह है और वो वॉशरूम है। ये पूरा क्रिमची टेम्पल है। मैं कहता हूँ इतनी प्यारी जगह ना, उसको और डेवलपमेंट करनी चाहिए यहाँ पर, काफ़ी डेवलपमेंट करनी चाहिए यार, बहुत प्यारी जगह है। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस साइड, दादी अंशु भाई वगैरह अभी भी देखते हुए। अभी उस मंदिर ले चलते हैं, वहाँ पर क्या है, ग्रीनरी चेक कर रहे हो आप, जो ग्रीनरी हो रही है कितनी प्यारी सी ग्रीनरी है। मैं कहता हूँ बंदा जम्मू में इतने कुछ विजिट कर रहा, तो जम्मू में इतना विजिट नहीं किया, जम्मू में इतना कुछ है हमारे। तो आप ये दिखाते हैं आपको, ये आप गाइस मूर्तियों का स्ट्रक्चर देखो पहले आप, कैसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पुराने टाइम का।
और इतनी अच्छा यहाँ पर माहौल है ना, चिड़िया वगैरह की आवाज सुन रहे हो। यहाँ मंदिर नहीं है अंदर, बस यहाँ पर मेरे को लगा अंदर से भी मंदिर होगा बट खाली बनाया हुआ है। नहीं नहीं है कुछ तो है, कुछ तो है। ये देखो गाइस यहाँ पर पत्थर वगैरह रखा हुआ है, ले चलता हूँ अंदर में आपको। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखो अंदर। मैं अंदर शूज़ लेके नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मुझे कोई ना कोई माता का ही है कुछ, ये पत्थर वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पर फूल भी रखा हुआ है। ये देखो यही था पूरा मंदिर, क्रिमजी टेम्पल। और गाइस ठंडा ठंडा मौसम हो ना फिर आओ, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। ओए देखो प्यारा सा बच्चा, बच्चों के लिए सही है, खेलो। तो अब नेक्स्ट आपको मैं ले चलता हूँ उस साइड। चलो यहाँ भी दिखा दिया, वहाँ भी दिखा दिया, अब नेक्स्ट मैं ले चलता हूँ आपको इस जगह पे। अब यहाँ देखते हैं क्या है, पहले हम चलते हैं स्टेप स्टेप पौड़ी। जय माता दी। ये देखो अब यहाँ से दिखाते हैं आपको अंदर, यहाँ इस सारी कोई पत्थर पुत्थर नहीं है, यहाँ खाली है। बस कोई पंडित जी होता है पूरी हिस्ट्री पूछता है मंदिर की हिस्ट्री क्या है, तो पंडित जी अभी यहाँ पर नहीं है। ये देखो इस और एक और बात, यहाँ पर जो भी आ रहा है ना गंदगी मत फैलाओ, ये जो भी खा के गया है देखो क्या क्या इन्होंने गंदे यहाँ पर फेंक दिया, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल प्लास्टिक वगैरह यहाँ पर देखो रेफर्स यहाँ पर सारा फेंक दिया, कोई डस्टबिन भी यहाँ पर है नहीं है, बंदा वहाँ पर फेंक दे तो ये गलत कर रहे हैं, ये मत करो यहाँ पर गाइस। ये देखो गंद बाकी जा रहे हैं, मंदिर है, मंदिर वाले धार्मिक स्थल में आए हो, ये देखो क्या क्या चुपा चूस के खाते थे लोगों, ये गलत है गाइस, यहाँ पर ये मत करिए करो जो भी आ रहे हो। वैसे भी अपने हाइजीन मेंटेन खुद भी रखनी चाहिए, अपने आप को खुद भी डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। अपने आप को बंदा खुद फिट रखेगा ना तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो जानी है। और वो व्यू चेक करो सामने, बस यही था पूरा मंदिर। और यहाँ पर कबूतर भी बड़े प्यारे प्यारे हैं, वो देखो दो कबूतर बैठे हुए हैं। अभी ले चलता हूँ मैं आपको सेट पार्क में, तो अभी ले चलते हैं यहाँ पर पार्क में आपको। मैंने यहाँ पर रैबिट भी देखा था बट अब नहीं दिख रहा, देखते हैं यहाँ पर। मैंने रैबिट देखा था अभी इसी प्लेस में देखा था बट अभी नहीं दिख रहा है। और सही मज़ा शाम को ही आता है, और टाइमिंग है 6:30 बंद हो जाता है यहाँ पर। मैंने रैबिट देखा था लोग तो, ये देखो तभी मैं कहा मैंने रैबिट देखा था यहाँ पे, ये है रैबिट दो है। सो गाइज ये देखो प्यार, पहले खरगोश पिंजरे में बंद था मेरे सामने खरगोश। हाय खरगोश, बोलो निखिल का चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये देखो गाइस खरगोश कितना प्यारा है। सो गाइस ये देखो, ये ग्रुप ऑफ टेंपल्स क्रिमची, इसका पूरा हिस्ट्री वगैरह है। सो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हो, जिसको पढ़ना हो पढ़ सकते हो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो। पढ़ लिया करो यार। ये देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ लो। और ये यहाँ से टिकट्स होती है आपकी, और ये पूरा क्रिमची टेम्पल, और यहाँ रैबिट भी मिलेगा आपको जब आओगे ना। तो बस चलते हैं इसके साथ ही हम सीधे घर पे। तो गाइस बस अब यहाँ से निकलते हैं। और ये देखो ऐसे भद्रवाह टाइप लग रहा है ना, ग्रीनरी ग्रीनरी सारी। ये देखो चलते हैं सीधे, अपनी गाड़ी लगाइए वहाँ पर पार्किंग की, ये थोड़ी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलो सो गाइस एक आपने बात नोटिस की, लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, देखो देखो ऊपर ऊपर घर, मेरे पहाड़ों में घर बसा हुआ। इवन कि मैंने पटनीटॉप वाली साइड देखा, हम मानतलाई सुदमा देव के, तो लोग ऊपर ऊपर कहाँ कहाँ रहते हैं ये देखो आप। हम देखो हम सिटी में होके हम सोचते हैं इनको फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड, अभी लोग यहाँ के फिट होते हैं ये देखो। सो
चुके हैं। चलिए हम यहाँ से उतरे तो हम ले रहे हैं किया वगैरह यहाँ से, तो ये जगह देख लो यहाँ से आपको मिल जाएगा गाड़ी लगाइए भी यहाँ पर देसी किया यहाँ का। सो गाइस मंथल आए हो, अगर आपने यहाँ से अचार नहीं लिया तो क्या फ़ायदा। तो ये है मंथल वाला एरिया, यहाँ से हम लेने लगे हैं अभी अचार कहते हैं, जो भी यहाँ पर आता है अचार वगैरह लेता ही लेता है। और वहाँ का व्यू देखो आप, जो व्यू हो रहा है, तो लेते हैं अचार वगैरह यहाँ काफ़ी टेस्टी मिलते हैं। तो चलो सो गाइस ये व्यू चेक करो, सनसेट बिल्कुल होने वाला है। और फिर मंथल से आए और नंदिनी वाले यहाँ पर चाय नहीं पी तो क्या किया, तो चलो इसको भी पी लेते हैं चाय और पकौड़े पनीर के। सो गाइस अब नंदिनी होके आए, अब मैगी पॉइंट मैगी नहीं खाई तो क्या किया, अब ये भी तो खाना बनता है ना। जगह देखो आप और मैगी देखो, खाते हैं ऐसे भी। सो गाइस आई नो आप सबकी मुँह में पानी आ रहा होगा, पर आने दो कोई बात नहीं, लाओ पानी मुँह में। सो गाइस यहाँ पर आ चुकी है हमारी मैगी, चलो मेरी आगे सब्जी वाली मैगी पॉइंट की प्यारी प्यारी मैगी, फिर से पानी आ रहा होगा कोई नहीं, सह लो आप। सो गाइस बस यही मेरे मैगी पॉइंट में, यहाँ से मैं ब्लॉग अप एंड कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए हुल्लू लारे में चैनल, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।